दिस इज़ माई फ्रेंड्स रूम, माई रूम इज़ नॉट येट प्रिपेयर्ड। ये वॉशरूम है, वेरी नीट एंड टाइडी, क्लीन वॉशरूम विद बाथ टब। सी रूम इज़ वेरी स्पेशियस विद ऑल द एक्सेसरीज। देर इज़ अ लॉकर इन द अलमीरा, यू कैन कीप योर एक्सेसरीज देयर। सी हाउ बिग इट इज़, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, ही इज़ वेविंग हैंड टुवर्ड्स मी। ए सी, देर इज़ अ बालकोनी आउटसाइड द रूम एंड द ग्रीनरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। रिसोर्ट इज फुल ऑफ ग्रीनरी, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, वंडरफुल व्यू। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा उधर को, थोड़ा दूर। ये हम बाहर आ गए हैं। अब ये पीछे का रास्ता है रिसोर्ट का, जो बीच की तरफ जाता है। बीच बहुत ही पास है रिसोर्ट के, और हम वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि हमने सुना है कि वो बीच बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली यहाँ के थाईलैंड के सभी बीचेस बहुत सुंदर हैं, क्लीन बिग। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू रीच इन फ्यू मिनट्स। यस, वी कैन सी द ओशन। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिस इज अ थाई लैंग्वेज। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे आके ये तो बिल्कुल क्लीन हो गया कि जो थाईलैंड के बीचेस हैं बहुत ज़्यादा क्लीन है, ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं जगह जगह पे, जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी गंद नहीं मिलेगा, कोई एनिमल घूमता नहीं मिलेगा, कोई पेपर थ्रोइंग नहीं है यहाँ पे। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे फेंक दोगे ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ऑल फॉलो रूल्स। सी सी द व्यू, दूर दूर तक पानी ही पानी। ये नज़ारा देख के मज़ा आ जाता है, बस बीच पे जाने का मज़ा ही यही होता है। ये आई थिंक सो नेट लगाए हुए हैं ये, जो मछुआरे होते हैं उन्होंने नेटिंग की हुई है ताकि वो फिशेस को पकड़ सके, उसके लिए ये फेंसिंग की हुई है। ये एरिया मेरे ख्याल से प्रोटेक्टेड होगा फॉर फिशरमैन्स। सी हाउ वंडरफुल इट इज, अमेजिंग व्यू। यहाँ पे कोई रश नहीं है क्योंकि ये हमारा रिसोर्ट के पास वाला बीच है, तो कोई रश नहीं है यहाँ पे। पानी कितना साफ है, रेत भी बिल्कुल साफ है। यू कैन सी द टावर्स आल्सो ऑन द एज ऑफ द सी। वेव्स आ रही है हमारी तरफ। दीज आर द बेंचेस, वी कैन सिट हियर एंड कैन टेक रेस्ट।